हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा पर आनंदपुर साहिब से नैना देवी खस्ता हाल सड़क जल्द बनकर तैयार होगी। इसके लिए पंजाब सरकार ने लगभग 25 करोड़ का प्रावधान किया है और पंजाब सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए ये एक सौगात है। बरसात के तुरंत बाद इसका कार्य शुरू होगा। ये बात श्रावण अष्टमी मेला दौरान नैना देवी मंदिर में दर्शन करने आने के उपरांत पंजाब के लोक निर्माण विभाग मंत्री बिजेंद्र सिंगला ने पत्रकारों से कही। हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा पर आनंदपुर साहिब से नैना देवी खस्ता हाल सड़क जल्द बनकर तैयार होगी और इसके लिए पंजाब सरकार ने लगभग 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और पंजाब सरकार की तरफ से श्रद्धालुओं के लिए यह एक सौगात है। बरसात के तुरंत बाद इसका कार्य शुरू होगा। ये बात श्रावण अष्टमी मेला दौरान नैना देवी मंदिर के दर्शन करने के उपरांत पंजाब के लोक निर्माण विभाग मंत्री विजेंद्र सिंगला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा। इससे पहले विजेंद्र सिंगला ने अपने परिवार सहित माता श्री नैना देवी के दर्शन किए, माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया और प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आनंदपुर साहिब श्री नैना देवी खस्ता हाल सड़क है, पंजाब एरिया में जो आती है उस पर भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया था, लेकिन उसका कार्य कुछ कारणों से रुक गया था। लेकिन इसके बावजूद पंजाब सरकार ने इस सड़क के लिए अलग से 25 करोड़ का प्रावधान किया है। अगर भारत सरकार इस सड़क का कार्य नहीं कर पाती है तो पंजाब सरकार इस सड़क का कार्य करवाएगी और आनंदपुर साहिब श्रद्धालुओं के लिए और नैना देवी मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बढ़िया सड़क बनाकर देंगे, जो कि श्रद्धालुओं के लिए पंजाब सरकार की एक सौगात होगी। उन्होंने कहा कि माता नैना देवी के आशीर्वाद से यहां तक पहुंचे हैं। बचपन से ही वे माता के दरबार में आते रहे हैं और माता जी की पूजा अर्चना करते रहे हैं। इस मौके पर मेला अधिकारी बिनी दीमान और मंदिर न्यास के अध्यक्ष सुभाष गौतम ने उन्हें माता की चुनरी और फोटो भेंट की। उनके साथ मंदिर अधिकारी हसन चंद और हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के सचिव आदित्य गौतम भी मौजूद रहे। भारत सरकार ने इस मार्ग को अपने ऊपर लेने की बात रखी थी, पर लेकिन वो कुछ कारणों के की वजह से वो मंजूरी नहीं हो सकी और हमने अपनी तरफ से 25 करोड़ रुपया इस मार्ग के लिए मंजूर किया है और आने वाले साल के अंदर आप देखेंगे कुछ भी पैसे की ज़रूरत इस मार्ग के लिए पंजाब की तरफ से ज़रूरत होगी, हर पैसे को मंजूर किया जाएगा। और मैंने आने से पहले ही आपने देखा कि ये रास्ता बहुत ख़राब था, कुछ काम इतनी बारिश के बावजूद भी हम कर पाए हैं और ताकि लोगों को यात्रियों को तकलीफ़ ना हो सके, पर आने वाले वक्त में ये बरसात के मौसम को ख़त्म होने जाने के बाद हम इस मार्ग को और अच्छे तरीके से बनाएंगे ताकि आने वाले समय में यात्रियों को तकलीफ ना हो।